हमारे देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा उदाहरण है सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का, जिनको रात को चोरी छुपे अंतिम संस्कार के रूप में जला दिया गया। अब अगर हम ये कहें अंग्रेज सरकार को नहीं मालूम था, वो एक दो अफसरों ने रात को ऐसे ही मनोरंजन के लिए उनको जला दिया, तो ये हमारी नादानी होगी। जाहिर सी बात है अंग्रेज सरकार को मालूम था कि अगर इनका शरीर बाहर जलाने के लिए दिया जाएगा तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, लोग इकट्ठा होंगे और अंग्रेज सरकार घबरा रही थी। सेम बिल्कुल उसी तरीके से योगी सरकार को ये मालूम था कि ये लाश अगर सुबह तक उत्तर प्रदेश में रहेगी तो लाखों दलित और सामान्य जाति के लोग यहाँ पे इकट्ठे होंगे और योगी सरकार उसको नहीं संभालना चाहती थी, उसकी जवाबदेही नहीं होना चाहती थी, इसलिए सीधा सीधा अधिकारियों को निर्देश थे। मैं वहां पे मौजूद रहा हूँ, कल सुबह पूरे दिन मैं सफदरजंग अस्पताल में मौजूद था, वहां पे DCP मौजूद थे, मैंने उनको कई बार पूछा कि बच्ची का शरीर कहाँ है, तो वो कहते थे कि भेज दिया, सुबह से बोल रहे थे भेज दिया, जबकि शरीर वहीं पे था। वहां पे उन्होंने सफदरजंग अस्पताल को पूरा छावनी में तब्दील कर रखा था, क्योंकि उनको ये डर था कि जब हम शरीर निकालेंगे तो ये बात लीक हो जाएगी, इसलिए वहां पे हर आदमी को वहां से भगाया जा रहा था, क्योंकि ये मंशा कल सुबह ही ये प्लानिंग हो गई थी कि रात को चोरी छुपे उस बच्ची के शरीर को नष्ट कर दिया जाएगा और क्योंकि सारे के सारे सबूत जो है उस बच्ची की लाश के साथ नष्ट हो जाएंगे। अब पुलिस ये भी कह रही है कि बलात्कार नहीं हुआ था, पुलिस ये भी कह रही है जीभ नहीं काटी थी, उसकी रीढ़ की हड्डी भी नहीं टूटी थी, तो भाई जब कुछ भी नहीं हुआ था तो क्या 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 जरूरत है और फिर आप क्यों डर रहे हैं। और एक बार को ये बात को इतना महिमा मंडन करना कि मुख्यमंत्री जी ने उनसे फोन पे बात की, अरे क्या वो भगवान राम के अवतार हैं जो उन्होंने फोन पे बात कर लिया तो क्या एहसान किया है।